हलचल टीवी देख रहे समूह दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दर्शकों आज तुहाडे रूबरू कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन खोसा के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट पवनप्रीत सिंह जी। पवनप्रीत जी तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद जी, मेहरबानी। पवनप्रीत जी लंबा समा पंजाब की सियासत सरगर्म रहे ने, दो बार विधानसभा इलैक्शन भी लड़ चुके ने ते हुण तक जिहड़े पंजाब दे मुद्दियां बारे काफ़ी गंभीर रहे ने। पवनप्रीत जी तुसी किसान यूनियन खोसा दे सीनियर आगू हो। हाँ जी। ते ए यूनियन तुसी नवीं इस्टैबलिश कीती है। पहला पंजाब विच जिहड़ियां दिल्ली दे बॉर्डर ते बैठिया है किसानी मुद्दियां नूं लैके 32 यूनियन आ जिन्हां चों बहुतियां पंजाब दियां, ते तुहानूं इह जिहड़ी वक्खरी हैगी है किसान यूनियन बनाउण दी क्यों लोड़? पहला पंजाब दे विच 32 किसान यूनियन काम कर दियां जी। वो किसान यूनियन जिहड़ियां काम कर दियां वो जदों भी नवीं कोई सरकारां पॉलिसियां लैके आउंदियां जी वो सिर्फ उस दे विरोध तक सीमित रहिंदियां जी। असी कुछ लोगों ने बैठ के सोचिया जी कि आपां क्यों ना जिहड़े देश की 70% आबादी लगभग खेतीबाड़ी ते निर्भर होवे जी उस देश च कोई एग्रीकल्चरल पॉलिसी ना होवे जी। इहदे लई असी कहा कि असी ये नवीं यूनियन खड़ी करांगे जी, असी आप एक पॉलिसी देवांगे कि इस ढंग नाल किसान देश च सौखा हो सकदा है जी। इसलिए वो एक प्रैशर ग्रुप तैयार करांगे जिहड़ी सरकारां नूं इस गल लई मजबूर करेगी जी कि वो ये पॉलिसियां लागू करे ता ही किसान आ जिहड़ा वो बच सकदा जी। जे मान लो जिवें हुण दिल्ली दीआं बरूहां ते 32 किसान जथेबंदियां बैठियां जी, वो ये कहिंदियां तिन्ने काले कानून वापस लो जी, बिजली सोध बिल वापस लो जी, ते नाल ही एक पराली वाला जिहड़ा बिल बनिया वो वापस लो जी। जे ये तिन्ने कानून मान लो वापस हो जाण जी फिर किहड़ा किसान सौखा हो सकदा जी। पहला पंजाब की देश की हालत यह कह सकते हैं, नैशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक 24 घंटे 1.5 किसान आ जिहड़ा वो आत्महत्या करता क्योंकि उसकी हालत ही इस तरह की बन गई है जिहड़ी खेतीबाड़ी धंधा है वह लाहेवंद नहीं रहा, इहदे चों ही सारा कुछ उपजिया हुआ। इसलिए किसान लई की नवीआं पॉलिसियां बन, साडी किसान यूनियन इस गल लई कि आ पॉलिसियां असी तैयार कीतियां इहदे ते असी काम करांगे ते सरकारां नूं इस गल लई मजबूर करांगे। इसलिए सानूं 33वीं यूनियन आ जिहड़ी वह बनाउण दी लोड़ पई। तुहाडा कहिण दा मतलब कि हुण तक जिहड़ा आजादी तो बाद किसी भी जिहड़ी पोलिटिकल पार्टी ने जिहड़ी किसान पक्षी कोई पॉलिसी नहीं बनाई ते ना ही किसी प्रोग्राम तैयार किया किसी भी यूनियन नहीं 32 चो किसी भी यूनियन कोई प्रोग्राम जदों कोई सामने आया ही नहीं जी। जे नहीं है इस करके ही है जी क्योंकि जे पंजाब की गल करिए जिथे 32 जथेबंदियां सारे देश च तां आपां कह सकदे आ सैकड़े ही जथेबंदियां जी। पंजाब की धरती है जिहड़ी जिथे पानी लगातार डूंघा जा रहा सारे लोग चिंतित है जी। जिहड़े पंजाब च 350 किलोमीटर लगभग दरिया वगदा होवे उत्थे भी पानी डूंघा चला जावे जी ये सरकार की नाकामी है जी। असी साडी यूनियन ये कहिंदी है कि सरकार दरिया नूं पट के 5-5 किलोमीटर दीआं झीलां बनाईआं जाण, 10 किलोमीटर नवीं बने, इस तरह जिन्ने ड्रेन है उहनां च थोड़े थोड़े बन्न मारे जाण तां कि जदों हुण बारिश का पानी आउंदा ते रुड़ जांदा ते धरती चार्ज ही नहीं हुंदी, जदों धरती चार्ज नहीं हुंदी ते कुदरती आ पानी जिहड़ा लगातार आ नीवा हुंदा जा रहा डूंघा हुंदा जा रहा। इसलिए जे किन्ने लोगों नूं रुजगार मिल सकदा, आपां सारे जाणदे आ वगदे पानी की मच्छी है जिहड़ी दुनिया च सब तो महंगी विकदी है, जदों वह पानी वगदे पानी च मच्छी पैदा की जाए लोगों रुजगार दिता जा सकता। इसलिए असी कहांगे कि प्रॉपर प्लैनिंग की लोड़ है, जे प्लैनिंग होवे ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 96 'ਚ ਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 50% ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਹੁਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ
लाहेवंद बन सकता है। वो सी कि खेतीबाड़ी नूं कुछ लोगों के ये कह सकते हैं जे आपां पंजाब दी हालत वेखीए जिथे 1 करोड़ एकड़ के लगभग वाही योग जमीन है, 1 करोड़ चों जिहड़ी 2.5 एकड़ वाले है वह लगभग 45% है, जिहड़े 5 एकड़ वाले है वह हैगे 28% के लगभग, जिहड़े कह लो 10 एकड़ तो 25 एकड़ वाले है, 25 एकड़ तो उपरले सिर्फ 23,000 किसान है, जिहड़ियां इत्थे पॉलिसियां बनदियां वह 23,000 वालियां नूं सामने रख के बनदियां, हेठलियां बारे कोई पॉलिसी नहीं। जिवें मान लो जे कहता पंजाब च पराली नहीं साड़नी तो जिहड़े वड्डियां वड्डियां मशीनरी आ रही है वह 2.5 एकड़ वाला तो 5 एकड़ वाला किवें खरीद सकदा है। पंजाब च जिहड़ी पिछले साल च 800 करोड़ रुपये के लगभग सबसिडी आई है, मैं तो यह कह सकदा भी उहदा किसी भी किसान नूं कोई फायदा नहीं होया, क्योंकि जिहड़ा छोटे किसान आ उह तां खरीद ही नहीं सकदे, 5 एकड़ तक वाला भी नहीं खरीद सकता, 10 एकड़ तक वाला भी नहीं खरीद सकता। जदों इहदे लई की सी एक असीं चाहुंदे आ, साडी यूनियन इह चाहुंदी है कि क्यों ना सांझी सहयोगी नीति बने 2.5 एकड़ वाले तो 5 एकड़ वाले उस प्रपोर्शन च, कि जे 30 एकड़ जमीन होवे तां उहदे च जिहड़ा मशीनरी है वह पूरी वरतों च लियांदी जा सकती है, नहीं तो 30 एकड़ तो घट वाले तो मशीनरी पूरी वरतों च ही नहीं आ सकती साल, इसलिए सहयोगी एक खेती शुरू हो सोसाइटियां बनन, उन्हां सहयोगी सोसाइटियां च सारे संद होण, उन्हां नूं सरकार लोन दे के उन्हां राहीं किसानां नूं सौखे किया जा सकता है, वरना जिन्ना चिर इन्हां पॉलिसियां ते काम नहीं हुंदा इहदा कोई फायदा नहीं। पंजाब च लाहेवंद धंधा खेती नूं नहीं बना सकती, वो रिपोर्ट भी नहीं बना सकती, क्योंकि वो जिहड़ी रिपोर्ट बनी हुई है वह उपरले किसानों वास्ते छोटे किसानों वास्ते नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 5% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ 'ਚ 40 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 70% ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਜਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
वखरे हैं, पर असी इस गल लई कि इतने कानून वापस होण, इस गल लई असी संयुक्त मोर्चे दे नाल ते इलैक्शनां बारे जिवें संयुक्त मोर्चा हैगा जां गुरनाम सिंह चडूनी ने आपदा ऐलान कीता इलैक्शन जिहड़ा लड़न दा कि किसान है जिहड़ा इलैक्शनां विच भाग लेगा, पर संयुक्त मोर्चे ने उहदा विरोध कीता कि असीं इलैक्शनां च हले कोई नहीं शमूलियत करांगे। तुहाडी पार्टी दा की स्टैंड? साडी यूनियन दा यही सुनेहा है कि जिवें किसान अगे ही बड़े ग्रुपां च पिंडां च साडा भाईचारा पिछले समय च साडियां पार्टियां दा ये रोल रहा है कि उन्होंने साडे पिंडां दा भाईचारा वंडता। असीं इसे लई कहने हैं भी किसानां दा एक वारी जिहड़ा घोल है ये लड़िया जावे। जे असीं पार्टियां जिवें पिंडां च आउणगे लोक उवें धड़ियां च वंडे जांदे है, तो साडा अंदोलन भी कितें धड़ियां च ना वंडिया जावे। इसलिए असीं एक वार इस गल लई कि किसी भी पार्टी का हजे क्योंकि इलैक्शन च बहुत समा पिया वो लोगों वंडन ना, इसलिए असी इस गल की संयुक्त मोर्चे की इस राय नाल जरूर हैगे हैं कि हजे आम करके पार्टियां जदों फरवरी इलैक्शन होना 2 महीने अपनी इलैक्शन कंपेन शुरू कर दी हैं, उन्होंने उदों करनी चाहिए है, तो वरना असी इस गल लई कि किसान हिस्सा लवे चाहे ना लवे ये तो बड़े वड्डे संवाद की लोड़ है। वो जिन्ना चिर संवाद नहीं करते रल मिल के बैठते ने उन्ना चिर यही जी पहला वाली पॉलिसी है असी सहमत है। तो जिहड़े जिहड़े किसान वख वख किसान जथेबंदियां जिहड़े उन्होंने पिंडां जे कोई सरगर्मी करदे आ, क्योंकि सारिया सियासी पार्टियां ने हले अपनी सरगर्मी रोकी भी नहीं ते सारिया उस पद्धर ते हले सरगर्मी चलाई भी नहीं, ते कुछ जिहड़े अपने मालवा बैल्ट च कुछ जिहड़ियां जथेबंदियां उन्होंने ऐलान भी किया है कि असी सारे जिहड़े लीडर है वो कोई भी फंक्शन करनगे उन्हां दा घराओ करांगे। तुहाडी जिहड़ी जथेबंदी है वह भी इस शामिल है कि जिहड़े सियासी लीडरां दे घराओ है, तुसीं भी कर रहे हो जां नहीं? असी इस गल की हिमायत नहीं करते, पर क्योंकि संयुक्त मोर्चे के नाल क्योंकि मैं पहले भी गल तो कही है कि किसी भी व्यक्ति पॉलिसी तो वेखो उसकी नीत की है, उसकी नीतियां किस किस्म दियां होणगियां, जे असी इस गल तो नहीं पहचानते उसका विरोध किया भी एक परसनल निजी विरोध ही बन सकता, वह किसानों के हित का नहीं होएगा। इन्हों सद के इन्हों सामने जिमें कहा इन्हों सद्या इन्हों मूहरे ये 32 किसान जथेबंदियों चाहिए सी संयुक्त मोर्चे इन्हों सामने सवाल रखते भी थोड़ा पंजाब की खेती बचाने वास्ते वो साडा पानी डूंगा जा रहा, मुंडे छड़ के इधरों विदेशों जा रहे हैं, और तुसी दसो भी आने वाले समय से थोड़ा प्रोग्राम की है, थोड़ा मैनीफेस्टो की है ये सारे पंजाब नूं सांभण बारे, कुछ आप गल्लां दसो उन्हां नाल संवाद रचाओ, तो इहदे ते जिहड़ा संवाद ना रचाउणा गल अध अधूरी छड्ड देनी ये गल गलत है। निजी किसी का विरोध नहीं, असी चाहवांगे भी वह पार्टियां उन्हां दी पॉलिसी वेखो कि किसानां दे हित च खड़दियां कि नहीं खड़दियां, उन्हां कोले साडे देखण दा की प्रोग्राम है। इसलिए असी निजी विरोध के खिलाफ हाँ साडी यूनियन, पर एक वारी मोर्चे दे नाल उन्हां नूं ही नहीं चाहीदा कि साडे पिंडां च लोकां नूं धड़ेबाजी च वंडण। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, इत्थे हर मुद्दा किसानी नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा आम पब्लिक का मुद्दा वो किसानी का मुद्दा मनिया जाता है। पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ा बिजली समझौतों का रौला पिया है, बिजली समझौते अकाली सरकार ने किए, जिहड़ी कैप्टन सरकार ने उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने सपोर्ट की, तुहाडा इहदे बारे की कहना है कि ये जिहड़े बिजली समझौते है कि सही सी, जे नहीं सही सी तो उहदे लई कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है जां अकाली सरकार? असीं ये चाहुंदे सां साडी यूनियन इस गल लई इस गल की पक्की धारनी है कि जिन्हें भी बिजली दे थर्मल प्लांट है जेडे पब्लिक सैक्टर च लगे सी कुछ चीज़ा होंदियां जिहड़ियां सरकार ने बिजली पानी विद्या आवाजाई दे साधन है ये ना लाभ ना हानि दे आधार ते लोगों नूं मुहैया कराने होंदे है, क्योंकि आम लोगों की ये जरूरत वालियां चीज़ां। असी जदों पहला पंजाब च पब्लिक सैक्टर च सरकारी खेत्र च लगे हुए सी थर्मल प्लांट, चाहे बठिंडे वाला थर्मल प्लांट होवे चाहे रोपड़ वाला होवे सारिया का, असी उदों कहा सी तुसी इन्हां नूं जिहड़े निजी हत्थां च इन्हां नूं बंद करके प्राइवेट खेत्र च बिजली वध पैदा करा रहे हो, ये लोगों लई नुकसानदायक होएगी। असी उदों ही क्योंकि हुण तुसी सारे देखिया बठिंडे दी वो देख नहीं रही कित्थे रशिया की यह टकनीक लिया के जो जल्दी बिजली पैदा करनी हो, आप सारे जानते हैं कि हाई जी हाइड्रो प्रोजेक्ट ला के वो तो समा बहुत लगता है पर बिजली बहुत सस्ती पैदा होंगी है, ये तो जी कोले वाली बिजली है ये एक तो जल्दी लग जाते थर्मल प्लांट है जेडे वो कुछ महंगी पैदा होंगी है,
पर जदों जिहड़ा प्राइवेट सौदा वेचना वह तो आपके मुनाफे ना ही वेचेगा, जे पब्लिक सैक्टर च सरकार दे हुंदे ना लाभ ना निजी आधार ते दित्ते होण किन्ने लोकां नूं रुजगार मिलदा। तुसीं वी देख लो सरकारी थर्मल प्लांट च किन्ने लोग काम करते हैं, तो जो निजी हत्थां च है प्राइवेट उहदे च किन्ने लोग काम करते, क्योंकि उन्हें इहदे चों भी मुनाफा कढ़ना, उहदा तां इको एक मकसद हुंदा मुनाफा। जे सरकारां लोकां लई नहीं है फिर सरकारां हुंदियां वी कादे लई है कि नाले लोगों रुजगार मिले, नाले लोगों बिजली सस्ती मिले। असी जिहड़े भी ये समझौते तहत प्राइवेट खेत्र जिन्हें भी लगे है, साडी यूनियन इस गल का विरोध कर दी, उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध कर दी है कि उन्होंने निजी खेत्र क्यों लाए, सरकारां आप क्यों नहीं ला सकदियां, ला सकदियां सी, इसलिए असी उन्होंने विरोध करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि अकाली कांग्रेसी पॉलिसी लगभग इको जी है, दोनों की पॉलिसी इको किस्म की है, निजी हत्थां च देना, जिहड़ियां भी 1991 तो बाद नीतियां आईया उहदे तहत ही चलदियां, इस करके दोवें बराबर दे जिम्मेवार है। तुहाडी जिहड़ी जथेबंदी आ उहदा अगलियां पंजाब विधानसभा लई की प्रोग्राम है? उदों पहलां फिलहाल तो साडी किसान यूनियन ने जिहड़ियां अगलियां चोणां होणियां उहदे बारे कोई प्रोग्राम नहीं, पर असीं इह जरूर डिस्कस करके जिथे जिथे साडी ताकत होगी असी संवाद जरूर रचावांगे कि जिहड़े की साडे लई तुहाडा प्रोग्राम की है, खेतीबाड़ी नूं जिहड़ा असी आपदा प्रोग्राम दसांगे, तो तुहाडा इहदे ते की विचार है, असी इस गल लई संवाद रचाउण दी पहलां दूजियां नाल दीआं जथेबंदियां नाल भी, फिर जिहड़ियां पार्टियां साडे कोले आउणगीआं असी उहनां नाल भी संवाद रचाउण दी कोशिश करांगे तां कि लोकां दा भला हो सकदा। पवनप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट च संखेप च साडे दर्शकों लई कोई खास संदेश देना चाहुंदे हो? असीं इही गल कहना चाहुंदे आ कि साडे पंजाब दी धरती एक इहो जी धरती है भी जिथे हर साल मानसून पौना दक्षण तो चल के आउंदियां, एक पासे दे हिमालिया, हिमालिया ते बर्फ जमदी है, बड़ा साफ पानी इत्थों दा, बड़ा वधिया दरिया वगदे आ सदाबहार, ये कह लो भी सारा साल जिहड़ा दरिया वगदे आ, इत्थों दी बड़ी वधिया धरती है, बड़ा वधिया सारियां रुत्तां लगभग इत्थे आ। ये असीं ये कहना चाहवांगे जिहड़े लोग भी इत्थों अज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इहदे लई साडे आपां सारे रल मिल के पंजाब नूं इत्थे बहुत सारियां फसलां पैदा हो सकदियां, क्योंकि सारियां रुत्तां इत्थे हैगियां, इहो जी धरती दुनिया ते किते नहीं, इस धरती नूं वाकई स्वर्ग आ, स्वर्ग बनाया जा सकदा है, सारे लोगों सौखे किया जा सकता है, सारे लोग अपनिया निजी मफाद छड के आपदिया पार्टिया वाली गल छड के इतों के लोग एक वधिया प्लैनिंग करके पंजाब नूं वधिया बनाउण वाले पासे वल नूं तुरीए, आपां सारे रल मिल के पंजाब नूं उही साडे गुरुआं पीरां वाला जिथे सांझीवालत वाला समाज सी उह जिहा सिरजण की कोशिश करिए, तां ही बाबे नानक वाला किरत करो वंड छको ते नाम जपण वाला वधिया जां कह लो रविदास भगत वाला बेगमपुरा बन सकता, इस धरती नूं बनाया जा सकता है। मैं सारयां नूं ये कहना चाहुंदा आओ आपां रल मिल के पंजाब दी धरती नूं स्वर्ग बनाईए। सो पवनप्रीत जी तुसीं साडे दर्शकां लई समां कढ़िया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, आस है कि भविख च वी साडे नाल जुड़े रहोगे ते साडे दर्शकां लई आपदा टाइम कढ़दे रहो। तुहाडा वी बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने साडियां जिन्नियां भी कि साडी समझ मुताबक गल्लां बातां उन्हों दूर तक पहुँचाउण दी जिहड़ी तुहाडे माध्यम राही साडी कोशिश होएगी, तुहाडा सारयां दा तुहाडा वी बहुत बहुत धन्नवाद। दर्शकों तुहाडा वी बहुत बहुत धन्नवाद, आस है कि हलचल टीवी कनेडा नाल तुसीं इसे तरह जुड़े रहोगे ते साडे नाल सांझ बरकरार रखोगे। तुहाडा धन्नवाद जी।